झाड़ी में घुसा उसी में घुस गया लगता है। यहाँ पर देखेंगे बाथरूम चालू काला जैसा थोड़ा सा इतना सा देखे उसमें घुसा घुस गया होगा ऐसे में खड़े ऐसी जगह है लेकिन वही घुसा उसमें निकला कहीं नहीं उसमें है वो बाथरूम ये होता है हल्का फुल्का होता है बाल बच्चे का भी पहनने वाली है इधर से हेलो फ्रेंड्स, जैसे फिर आज हम आप पहुंचे हैं लखियाबाद और यहां पर जैसे मॉर्निंग में कुछ सांप को दिखा गया है। अब अभी तो पहचान में नहीं आया है जो कौन सांप है, मगर ये लोग बोल रहा है कि यहां पर सांप देखे और सांप इस जो सेप्टिक टैंक है इस टैंक पे घुसा हुआ है। और हम आए अभी देखते हैं कौन सा सांप है, अभी इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आबादी बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पर सांप बहुत ही ज़्यादा निकलता है। पर डे सांप यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाते हैं और फिर उसको जंगल में छोड़ते हैं, जीवनदान देते हैं। तो चलिए आप हमारे वीडियो में बने रहें, देखते हैं कौन सा सांप है। जो सावन टाइम में ही घर बनाया हुआ है, इसका अंदर नहीं है ना, उसका जो साइड साइड में छेदा है उसमें होगा, उसको थोड़ा घर बनाया है फरिश ले तो आवाज कर दे ना आवाज आप थोड़ा शांत रहिए ना, थोड़ा शांत रहिए, हम पकड़ने आए हैं, आराम से पकड़ लेंगे, ठीक है, हम देख लिए हैं। बंद करो
देखा है पचाई रहा है तो शांत रहिए आप लोग शांत रहिए थोड़ा सबके बाहर कर दीजिए देखिए सांप यहाँ पर जो है छिपा हुआ है सांप जो है देखिए यहाँ पर बहुत लंबा है बहुत लंबा है बहुत लंबा है हम आते हैं तो बैठा हुआ है दिल्ली निकालते हैं बाहर इसको ये मोटा है रे जैसे अब इसको हम निकाल लिए हैं ये इंडियन रेड स्नेक है यानी हम लोग को यहाँ के भाषा में इसको ढामिन बोला जाता है और ये बिल्कुल नॉर्म है ना वैसे बिल्कुल नॉन भेने वैसे आप देख सकते हैं और जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉर्निंग यहाँ पे निकला ये सांप और घर वाले ने देखा इस सेप्टिक टैंक के अंदर घुसते हुए और हमें फौरन कॉल किया हम आए फिर इसको देखिए हम रेस्क्यू कर लिए हैं अब इसको फिर हम फॉरेस्ट में ले जाके रिलीज करेंगे ये जो है इंडियन रेड स्नेक और जैसे इसको दड़ास भी बोला जाता है घोड़ा पछाड़ सांप भी बोला जाता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसका अलग अलग नाम से ये जाना जाता है ये सांप है सबसे तेज सांप यही है अगर हाथ से ये छूट जाए तो पकड़ने में मुश्किल बहुत ही स्पीड है सांप का मगर इसका जो अभी यहाँ पर आया हुआ था ये जैसे छोटे छोटे मेढक और छोटे छोटे पक्षी बर्ड्स को ये खाते हैं देख सकते हैं ले लो पब्लिक ले लो चलिए इसको हम रेस्क्यू कर लिए हैं इसको फिर अभी ले जाके फॉरेस्ट में रिलीज करेंगे तो इसी तरह अगर किसी मतलब जिद से अगर दिक्कत है कहीं भी किसी तरह तो उसको मारे नहीं क्योंकि इसको हमारा एक पर्यावरण हिस्सा है इसको बचे रहना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है और हमें कॉल करें और हर एक इस तरह से आपका रेस्क्यूअर मिल जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप उसके कॉल कर सकते हैं और फिर आके उसको जैसे कि रेस्क्यू करके फिर पुनर्वास के लिए जंगल में छोड़ा जाएगा तो चलिए इसको हम अभी पैक करते हैं और ले जाकर फॉरेस्ट में छोड़ेंगे तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं जय हिंद जय भारत।